बुराड़ी स्थित निरंकारी सत्संग आश्रम का जो ये मैदान है, जिस पर कहा जा रहा है कि किसानों को जहां रोकने की बात हो रही थी कि जहां किसान आए और यहां पर बैठ करके अपना प्रोटेस्ट चालू रखें, इस वक्त हम स्थित हैं यहीं बुराड़ी स्थित निरंकारी सत्संग वाला जो मैदान है। मीडिया और तमाम सारी जगहों पर यह खबर चल रही है कि ज़्यादातर जो किसान हैं वो यहाँ पहुँच चुके हैं और अब यहीं से ही वो अपना प्रोटेस्ट आगे चालू रखेंगे, लेकिन हकीकत कुछ और है। दरअसल इस मैदान में अभी तक हालांकि इसकी जो कैपेसिटी है वो बहुत बड़ी है, जितना किसान आ रहे हैं प्रोटेस्ट में वो लगभग यहाँ पर आ सकते हैं, मतलब इतनी ज़्यादा संख्या है इसकी, लेकिन हकीकत कुछ और है। यहाँ लगभग 20 से 30 ट्रॉलियाँ ही हैं लगभग अभी इस मैदान में, लेकिन जब उन किसानों से हमने बात की तो उन्होंने ये बताया कि वो दरअसल अपने जत्थे में सबसे आगे थे, इसलिए गलती से वो लोग यहाँ आ गए थे और अभी भी जत्थेबंदी का जो फैसला होगा वही फैसला उन्हें वो मानेंगे। यहाँ से निकलने का क्या सवाल है? आप जत्थेबंदी के साथ आए हैं तो आप लोग, मतलब ज्यादातर जो किसान है वो तो वहाँ सिंधु बॉर्डर पर बैठे हुए हैं, आप लोग यहाँ कैसे आ गए? क्या है अभी, मतलब आप लोग पहले आ गए थे यहाँ इसलिए आप लोग यहाँ हैं? अच्छा एक बात बताओ, अभी आप लोगों को कोई चीज की जरूरत पड़ रही है तो आप लोगों को बाहर जाने दे रहा है या नहीं जाने दे रहा है? आप लोगों को रोका जा रहा है बाहर जाने से? क्या पुलिस वाले आपको रोकते हैं बाहर जाने से? ये तो आपके ही किसान भाई कर दे, ओपन जेल जैसा है, जेल के जैसा ही, जहाँ से बाहर भी नहीं जाने दे रहे हैं, ऐसा है क्या? जेल पर का काम है तो बाहर तो निकले हैं, कोरोना लग गई बाहर नांडो। अच्छा, नहीं निकले नहीं देते आने जाने के लिए। तो अब आप लोग आगे क्या करेंगे अगर ये आपको यहाँ से जाने नहीं देंगे? तो हमें कोशिश तो करेंगे यहाँ से निकलने की। तो क्या आपको ऐसा भी लग रहा है कि कुछ ऐसा ये लोग प्लान कर रहे थे कि सारे किसानों को पहले यहाँ बुला लिया जाए उसके बाद उनको यहीं बंद कर दिया जाए या एक तरह से जेल जैसा? तो यह है दिन के भी सारे किसान इकट्ठे हो जाए, इसको घेराबंदी करी जाए, यहीं रोके जाएंगे सारे। अच्छा, तो अभी आपके नेताओं का भी आगे क्या मतलब प्लान है आपका? क्या यहाँ से आप लोग आगे प्रोटेस्ट जारी रखेंगे या बाहर जा करके सिंधु बॉर्डर पर उन लोगों के साथ बैठेंगे? रोकने की तैयारी पूरी, सारा सी बंद करने की तैयारी। अच्छा, तो आप देख रहे हैं जैसा कि किसान, मतलब जो भी 20-30 ट्रालियां लगभग आप आई थी, जो सबसे आगे थे जत्थेबंदी में वो यहाँ पर पहले चले आए थे, जबकि पीछे एक बड़ा हिस्सा सिंधु बॉर्डर पर और टिकरी बॉर्डर पर, वो एक बड़ा हिस्सा किसानों का वहाँ अभी भी बैठा हुआ है और वहीं से प्रोटेस्ट लगातार चालू है। जो कुछ किसान यहाँ आ गए थे वो यहीं हैं, कुछ किसानों से अभी हमने बातचीत की, उन्होंने बताया कि उन्हें एक तरह से जेल की तरह इसको तब्दील कर दिया गया है, कि ये एक तरह से यहाँ पर उन्हें रोक दिया गया है, ना ही वो बाहर जा पा रहे हैं ना ही उन्हें कहीं बाहर जाने दिया जा रहा है, लेकिन फिर भी यहाँ पर किसान मौजूद हैं और सारे किसानों का यही कहना है कि जत्थेबंदी का जो भी फैसला होगा उसी हिसाब से आगे बढ़ा जाएगा, उसी हिसाब से प्रोटेस्ट की जो भी दशा और दिशा होगी वो जत्थेबंदी के फैसले के साथ ही चालू होगी। खाने पीने की किसानों की ये व्यवस्था ये है, अवधेश जी पूछ रहे हैं, किसानों के साथ ही वो अपने साथ लंगर का सारा सामान लेकर के चल रहे हैं, ये ट्रॉली में देख सकते हैं आप किस तरह से लेटने का और सारा खाने पीने का सारी व्यवस्था है, लंगर का सामान ये लोग अपने साथ, बनाने का खाने का सारी व्यवस्था इनके साथ ही है। हालांकि इस ग्राउंड में आम आदमी पार्टी की तरफ से भी काफ़ी व्यवस्था की गई है, उसके लोकल जो पार्षद हैं, लोकल विधायक हैं, उन लोगों ने यहाँ पर पर्याप्त व्यवस्था खाने पीने की हुई है अपनी तरफ से। तो किसानों को आम आदमी पार्टी ने यूनाइटेड अगेंस्ट हेट जो एक संगठन है उन्होंने, और तमाम ऐसे संगठन हैं, तमाम ऐसे एनजीओ हैं जिनकी तरफ से यहाँ व्यवस्था की गई। आप देख सकते हैं ग्राउंड, ये बहुत बड़ा ग्राउंड है, इसकी जो कैपेसिटी है वो बहुत ज़्यादा है। ये पीछे आप देख सकते हैं, इधर ये टॉयलेट बने हुए हैं जहाँ पर किसानों के लिए टॉयलेट ये बनवाया गया है, इधर ढेर सारी गाड़ियाँ भी खड़ी हुई हैं, पार्क हैं। तो ये जो बुराड़ी में जो ये निरंकारी सत्संग का जो शिविर है, जिसके बारे में ये कहा जा रहा था कि यहाँ पर किसानों की एक बड़ी तादाद आ चुकी है, ऐसा कुछ भी नहीं है, लगभग 25 से 30 ट्रॉलियाँ वो भी भूलवश चली आई थी, क्योंकि वो लोग जत्थेबंदी में आ गए थे और इधर से ही उन्होंने दिल्ली में एंट्री की और सीधे इस जगह पर आ गए। और किसानों के संगठनों के बीच में भी उस समय तक ऐसा कुछ भी नहीं फैसला हो पाया था कि कहाँ जाना है, कैसे करना है, तो इस वजह से भी, कंफ्यूजन की वजह से कुछ किसान यहाँ पर आ गए हैं। लेकिन अब उन किसानों का ये भी कहना है कि उन्हें यहाँ से बाहर भी नहीं निकलने दिया जा रहा है। तो आप ये देख सकते हैं बुराड़ी का ये मैदान है।
जैसे कि हमारे साथ एक किसान है, क्या नाम है आपका? रेशम सिंह जी। अच्छा, बहुत सारे लोगों का और तमाम मीडिया का ये कहना है कि जो किसानों का जो जत्था, जो किसान यहाँ बुराड़ी इस मैदान में आ चुके हैं, तो मतलब ऐसा क्या, मतलब आप लोग यहाँ क्यों आ गए जबकि ज्यादातर किसान उधर बैठे हुए हैं? क्या कुछ कन्फ्यूजन है या क्या हुआ था? ओ बस फसा दिया, पहला सानू इधर कट दिया, मगरले नू रोक लिया, पहला सानू भी रोक लेंदे तो उत्थे रुक जांदे। तो क्या मतलब आप लोगों को अब यहाँ से बाहर नहीं जाने दिया जा रहा क्या? नहीं, वैसे तो तुरे ही फिरते हैं, ट्रैक्टर ना कर दें। अच्छा, ज्यादातर किसान वो सिंधु बॉर्डर पर बैठे हुए हैं और इधर बुरा। अच्छा, तो अभी क्या मतलब आगे की क्या रणनीति है, क्या तैयारी क्या करेंगे अब आगे का, क्या यही धरना होगा कि आगे कहीं और जाना? अच्छा, वो जत्थे का जो भी फैसला होगा उस हिसाब से आगे बढ़ा जाएगा। ओके, बिल्कुल। तो देख सकते हैं आप किस तरह से किसान यहाँ पर हैं, और ऐसा कुछ भी नहीं है जो लोग ये कह रहे हैं कि किसानों के बीच मतभेद है या वो तय नहीं कर पा रहे हैं कि क्या करना है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। किसानों का कहना है कि सबका जो मुद्दा है वो एक ही मुद्दा है कि ये जो तीन किसान विरोधी काले कानून हैं इनको वापस लिया जाए। और एक बातचीत और भी चल रही थी लगातार मीडिया में और तमाम जगहों पर, सरकार की भी ये कोशिश है कि एक कंप्रोमाइज की स्थिति बने, किसानों के साथ बातचीत करके कोई बीच का रास्ता निकाला जाए, लेकिन सिंधु बॉर्डर पर जो किसान बैठे हुए हैं उनकी तरफ से ये ऐलानिया कहा गया है सीधा कि बीच का कोई भी रास्ता स्वीकार नहीं किया जाएगा। एक ही मांग है और वो मांग ये है कि इन तीनों कानूनों को वापस लिया जाए। अभी कुछ देर पहले हम मौजूद थे नेशनल हाईवे 44 पर, जहां पर किसानों का जो सबसे बड़ा जत्था सिंधु बॉर्डर पर जो बैठा हुआ है, तो वहां पर भी किसानों का यही एकमात्र मुद्दा है कि बीच का कोई रास्ता नहीं स्वीकार किया जाएगा। सीधी और सपाट यही मांग है कि इन तीन कानूनों को वापस लिया जाए। ये देख सकते हैं आप, ये मैदान है, बहुत बड़ी क्षमता है इस मैदान की, और सरकार का यही प्लान था कि इसी मैदान पर किसानों को बुला करके यहीं पर उनको रोका जाए और फिर जो भी आगे कदम उठाया जाएगा बातचीत का या जो भी सरकार का अपना एक फैसला रहता उस हिसाब से किसानों के आगे बातचीत की जाती। ये बुराड़ी मैदान से हम इस वक्त लाइव हैं। किसानों की लगभग 25 से 30 ट्रालियां यहाँ आ गई थी, जिसे ये बताया जा रहा था कि काफी भारी मात्रा में किसान यहाँ आ चुके हैं, ऐसा नहीं है। 25 से 30 ट्रालियां ही सिर्फ यहाँ पहुंची हैं, और वो भी सिर्फ इस वजह से कि चूंकि वो जत्थे में सबसे आगे थे इसलिए उन्हें कन्फ्यूजन हो गया था कि कहाँ जाना है क्या करना है, और इसलिए वो यहाँ पर पहुंच चुके हैं। जबकि एक बड़ी जो मात्रा है किसानों की वो अभी भी सिंधु बॉर्डर पर और टिकरी बॉर्डर पर मौजूद है, ये आप देख सकते हैं। अभी किसान बैठे हुए हैं, आपस में बातचीत चल रही है किसान नेताओं की। सारे किसान यहां पर खड़े हुए हैं, सब बातचीत कर रहे हैं आपस में। यहाँ आने का जो फैसला कल मीटिंग असल में हुई थी, लगभग 22-23 किसान संगठनों की ऑल इंडिया किसान कोऑर्डिनेशन कमेटी की जो कल मीटिंग हुई थी, जिसमें योगेंद्र यादव जी और ऑल इंडिया किसान कोऑर्डिनेशन कमेटी के जो चीफ हैं उनकी और तमाम सारे किसान नेताओं की जो मीटिंग हुई थी, उसमें यही फैसला कल लिया जाना था असल में, जब सिंधु बॉर्डर पर किसान पहुंच चुके थे, कि क्या योगेंद्र यादव जी भी लगातार इस बात पर अड़े हुए थे और किसानों को मनाने की कोशिश में लगे हुए थे कि किसान कैसे भी करके इस मैदान तक आ जाएं, ताकि दिल्ली को आने वाला जो हाईवे है 44, हाईवे 10, तो इन सारे हाईवे ये खाली हो जाएं, इस कोशिश में लगे हुए थे सारे किसान नेता, सारे नहीं लगभग 2-3 किसान नेता जिसमें योगेंद्र यादव जी प्रमुख रूप से थे। तो उनका यही प्लान था कि इसी मैदान पर किसानों को ले आया जाए, यहीं पर किसानों को रोका जाए ताकि हाईवे खाली हो जाए और दिल्ली की जो लाइफ लाइन है हाईवे 44, जिससे सप्लाई चेन सबसे ज्यादा जुड़ी हुई है, तो वो खाली हो जाए। लेकिन किसानों ने मना कर दिया यहाँ आने से, और अभी भी किसान वहीं पर नेशनल हाईवे 44 पर हैं
और उधर टिकरी बॉर्डर पर किसान मौजूद हैं। यहां आने से किसानों ने मना कर दिया था। यही वो मैदान है बुराड़ी स्थित, जहां पर किसानों को बुलाने के लिए सरकार ने अपनी तरफ से प्रपोजल दिया था कि आप लोगों को दिल्ली में आने की एंट्री तो दी जाएगी। कल असल में शाम में लगभग 2-2.5 बजे के लगभग ये खबर चलने लगी थी कि किसानों को दिल्ली आने की इजाज़त मिल गई है। कई मीडिया चैनल्स ने और तमाम सारे लोगों ने, योगेंद्र यादव जी ने भी लगातार ये बात रखी कि किसानों को दिल्ली आने की इजाज़त मिल गई है। दरअसल वो इजाज़त की शर्त यही थी कि किसानों को बुराड़ी स्थित इसी मैदान में आना था, और ये मैदान चारों तरफ से घिरा हुआ है, बहुत बड़ा मैदान है। भारी पुलिस के पास तो दिया हो साथियों, किसान आंदोलन पर लगातार रिपोर्टिंग कर रहे हैं। पिछले 3 दिनों से किसानों के बीच हैं, पानीपत से लेकर सोनीपत, राई और फिर सिंधु बॉर्डर, और फिर अभी दिल्ली के इस बॉर्डर पर लगातार किसानों के साथ बने हुए हैं। आपको अपडेट देते रहेंगे, जो भी खबर आएगी, जो भी आगे किसानों का जो भी कदम होगा, आगे क्या वो रणनीति अपनाएंगे, क्या कुछ सरकार का फैसला रहता है, ये सारी बातें हम आप तक पहुंचाएंगे। जुड़े रहिए, नमस्कार।